आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सूर्या मिसाइल के बारे में। सालों से इस बात की स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि भारत एक लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM पर काम कर रहा है। ये सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत की सभी मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, अग्नि हो या नाग मिसाइल ही क्यों ना हो। लेकिन माना जाता है कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अलावा भारत एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली मिसाइल सूर्या एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज 12,000 से 16,000 किलोमीटर की होगी। इस मिसाइल के बारे में स्पेकुलेशन आना 1990 में शुरू हुई। हालांकि उसी समय भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। साल 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन उसके बाद से भारत द्वारा निर्मित सारे मिसाइल सिस्टम ज्यादातर चाइना फोकस्ड हैं। माना जाता है सूर्या मिसाइल सिस्टम का पहला हिस्सा यानी कि पहली स्टेज PSLV रॉकेट से ली गई है। PSLV रॉकेट इसरो का सबसे रिलायबल रॉकेट है। PSLV का अर्थ है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इस रॉकेट का यूज सूर्या मिसाइल को एक काफी रिलायबल मिसाइल बना देता है। इसी स्पेकुलेशन के हिसाब से सूर्या मिसाइल के अगली स्टेजेस अग्नि मिसाइल से ली गई हैं। अभी तक की टेस्टिंग के हिसाब से अग्नि मिसाइल भारत की सबसे रिलायबल मिसाइल है, यानी कि सूर्या मिसाइल सिस्टम भारत में अवेलेबल सबसे बेस्ट सबसिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक थिंक टैंक ने साल 1995 में ये कहा कि भारत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है। उस थिंक टैंक के हिसाब से भारत ने साल 1994 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, और भारत की सबसे प्रीमियर डिफेंस लैब DRDO इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तब से अब तक किसी ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि नहीं की, चाहे वो डिफेंस लैब हो, साइंटिस्ट हो या लीडर्स और पॉलिटिशियंस हो। आमतौर पर धारणा बन चुकी थी कि भारत में अगर कोई सूर्या मिसाइल के बारे में बात करता भी है तो उसे ये बोल के रोक दिया जाता था कि ये मात्र एक अफवाह है और ऐसी किसी भी प्रोजेक्ट पर DRDO काम नहीं कर रहा। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद में बहुत लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट है और DRDO इस पर काम कर रहा है। जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये मॉडल सूर्या मिसाइल सिस्टम का है। जैसे ही यह मॉडल पब्लिक डोमेन में आया, लोगों के बीच में खलबली मच गई। जब हमारी नजर इस फोटोग्राफ पे पड़ी तो हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च के दौरान हम लोगों को पता चला कि ये फोटोग्राफ SRM यूनिवर्सिटी के एडमिशन नोटिफिकेशन का है। लेकिन जब इस फोटोग्राफ को हम लोगों ने स्टडी किया तो हमने पाया कि स्टूडेंट्स के पीछे किरण एयरक्राफ्ट है, और अगर डिस्प्ले में किरण एयरक्राफ्ट लगा हुआ है तो ये कोई आम एग्जीबिशन नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोगों ने SRM यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट किया तो समझ में आया कि ये फोटोग्राफ एक DBSU का है जिसका नाम SRM यूनिवर्सिटी नहीं लेना चाहती। SRM यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट इस डिफेंस PSU में गए थे जहाँ पर ये फोटोग्राफ ली गई थी। सूर्या मिसाइल सिस्टम एक 3 स्टेज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी पहली स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर है। जैसा कि वीडियो में पहले बताया गया है कि ये स्टेज PSLV रॉकेट से ली गई है, और ये स्टेज इस मिसाइल सिस्टम को एस्केप वेलोसिटी प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड होती है जिस स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ से बाहर फेंका जाए तो वो अर्थ के एटमोस्फेयर को पार कर जाता है। लेकिन अगर उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे कम है तो उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर वापस खींच लेगी, और ऐसे में ये ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाएगा। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस मिसाइल की सेकेंड स्टेज में यूज होने वाला फ्यूल सॉलिड प्रोपेलेंट है, हालांकि तीसरी स्टेज लिक्विड फ्यूल वाली स्टेज है। इस मिसाइल में यूज किया जाने वाला वॉरहेड एक विशेष प्रकार का वॉरहेड है। इसको MIRV कहा जाता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। और अगर आसान भाषा में कहें तो ऐसा वॉरहेड जो कई निशानों पर एक साथ अटैक कर सकते हैं, और ये वॉरहेड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि स्वतंत्र। गौरतलब है कि सूर्या मिसाइल सिस्टम एक बार में 10 ऐसे वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी, यानी कि 10 अलग अलग निशानों पर ये मिसाइल सिस्टम किसी भी समय हमला कर सकता है, और इसको इंटरसेप्ट करना तकरीबन नामुमकिन हो।
आइए देखते हैं एक टिपिकल मर्व केपेबल ICBM का एक मिशन। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लॉन्च के समय सॉलिड रॉकेट बूस्टर स्टार्ट होता है और इसकी मदद से मिसाइल हवा में जाती है। एक बार मिसाइल अंतरिक्ष में आ जाती है तो इसको भारी इंजन की जरूरत नहीं पड़ती। तब इस मिसाइल की सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती है। सेकेंड स्टेज में ये मिसाइल मनूवर करके टारगेट के और करीब आती है। इस स्टेज में मिसाइल को मनूवर करने में मदद करता है इसका थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन की मदद से ये मिसाइल अपने टारगेट की ओर चल देती है। एक बार ये मिसाइल अपने टारगेट के पास पहुंच जाती है तब तीसरी स्टेज इग्नाइट होती है। तीसरी स्टेज के दौरान ये मिसाइल री एंटर करना शुरू करती है, यानी कि पृथ्वी के एटमोस्फेयर में वापस आना शुरू करती है। हालांकि इस बार ये अपने टारगेट के करीब होती है। एक बार जब री एंट्री हो जाती है तो इस मिसाइल के वॉरहेड अपने अपने निशाने पर चल देते हैं, और अगर हिंदी न्यूज चैनल्स की भाषा में बोला जाए तो तब शुरू होता है खूनी खेल। हालांकि आज तक हम लोगों के पास कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं थी कि ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, लेकिन ये मॉडल सामने आने के बाद में एक बात तो कन्फर्म है कि ये प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है। और अगर ध्यान से समझा जाए, इस प्रोजेक्ट को छुपाने का सबसे मेन कारण ये था कि इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर से ज्यादा है और नई दिल्ली से अमेरिका के वॉशिंगटन तक की दूरी 12,000 किलोमीटर है, यानी कि भारत अमेरिका को नाराज करना नहीं चाहता था। लेकिन जब भारत ने ASAT जैसी मिसाइल टेस्ट कर ली है तो अमेरिका को इस बात की जानकारी जरूर होगी कि भारत ऐसी मिसाइल बना चुका है। वैसे भी अगर अग्नि 5 मिसाइल को देखा जाए तो समझ में आता है कि पब्लिक में दी गई रेंज वास्तविक रेंज नहीं है। अग्नि 5 की रेंज असलियत में कहीं ज्यादा है। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं भी पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।